Please subscribe to Kids Zone YouTube channel for more fun kids content and don't forget to press the bell icon to never miss an update. ये कहानी शुरू हुई बहुत अरसे पहले, एक हफ्ते पहले। ओह नो, आखिरकार वो बाहर निकला। इंटरेस्टिंग है ना? अब आगे देखिए होता है क्या। शुरू हुआ जब तीन ऑर्डिनरी गर्ल्स हमारे टाउन में आए। एंट्री नंबर 12। हम लोग मंजिल तक पहुंच गए, फैपिटॉन। फिर एक्चुअल टाउन कहाँ है? गर्ल्स, लगता है मैं अपना बनी बस में ही भूल गई। स्नोवी, और अब आप लोग अपने राइट साइड पर देखिए, चिकन लेग हाउस, लेट 15th सेंचुरी आर्किटेक्चर की आला मिसाल। और ये हूँ मैं, माय नेम इज हेलेना एंड दिस इज माय फर्स्ट टाउन। मैं इस टाउन के बारे में सब कुछ जानती हूँ, इसीलिए मुझे हमारे नए मेहमानों से मिलने के लिए बुलाया गया है। सुना है वो मेरी ही क्लास में पढ़ेंगे, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं थोड़ी लेट हो गई हूँ। वन फॉर अ सोरो, टू फॉर अ जॉय, थ्री फॉर अ गर्ल, फोर फॉर अ बॉय, फाइव फॉर अ सिल्वर, सिक्स फॉर अ गोल्ड, सेवन फॉर अ सीक्रेट, नेवर टू बी टोल्ड, एट फॉर अ विश, नाइन फॉर अ किस। एक घंटा हो गया हमें यहाँ, कोई आएगा भी हमें पिक करने? Hey girls, hello, nice to meet you. तुम लोग बहुत दूर से आए हो ना? Wow, your shoes are awesome. तुम लोग कब तक यहीं रुकोगे? पता है तुम लोग मेरी क्लास में हो, अच्छा है ना? Wait, ये लोग कहीं भूल ना जाओ। क्या तुम्हें पता है कि तुम पूरा एक घंटा लेट हो? 59 minutes 43 seconds. चलो चलते हैं जल्दी से। पता है तुम लोग स्कूल नहीं ठहरोगे जो मेरे घर से बिल्कुल नजदीक है। वैसे बताओ कि क्या नाम है तुम्हारा? Oops, कैसे भूल गई? एक मिनट। Hi friends, मुझे कहते हैं हेलेना। सुबह जल्दी उठना पड़ा क्योंकि तुमसे मिलना था। मैं जानती हूँ मैं हमेशा लेट हो जाती हूँ, इसके लिए माजरत। तो ये है मेरा टाउन, इसका नाम है फेबलटन। ये है मेरा गैंग, मेरे दोस्त। मैं अपने बारे में सब कुछ बता चुकी हूँ तुम लोगों को, एंड आई होप तुम्हें पसंद आया होगा। ये क्या था? ये था एक गाना जिसमें उसने है बताया कि है उसका नाम हेलेना। ओह स्नोवी, फॉलो मी गर्ल्स, पार्क वाले रास्ते से हम जल्दी पहुंच जाएंगे। एंट्री नंबर 13, टाउन के लोगों से कांटेक्ट एस्टैब्लिश करना। ओह, ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। और अब हम आ गए हैं लुकम राय, जादुई कहानियों वाली वुड स्पिरिट राइड्स। हाँ, इस इलाके में वुड स्पिरिट्स और टाउन स्पिरिट्स से मिलना आसान है। मैंने कहा था ना, इस वाले रास्ते से जल्दी पहुंच जाएंगे। वैसे तुम मुझे मैरी बुला सकती हो। ये है वैलेरी और वो है स्नोई। ये तो कमाल का है, बिल्कुल फेरी टेल जैसा। यहाँ हर चीज फेरी टेल जैसी है, लेकिन ये सब सिर्फ टूरिस्ट के लिए है जो पूरी दुनिया से आते हैं ये मैजिकल टाउन देखने के लिए। लेकिन हकीकत में यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि ये मरमेड्स, ये असल में थोड़ी होती हैं। हे, वो देखो आइसक्रीम। एंट्री नंबर 14, हम आइसक्रीम खा रहे हैं। रिकॉर्ड करो, मुझे एस्कोमो पाई मिली है। मुझे तुम्हारा टाउन पसंद आया। हाँ, और इसे देखो कितना खूबसूरत है। सो क्यूट। ये तो मेरे बनी जैसा है। ओह, वो इस वक्त कैसा होगा? ओह, तुम्हारी आईज कितनी सैड है। तो क्यों ना तुम्हारा नाम रखा जाए सैडी। सुनो, क्या तुमने कोई छोटा सा जानवर देखा है ग्रीन कलर का?
ग्रीन कलर का छोटा सा बड़े कानों वाला वो इस तरफ गया है, लेकिन उसे गए हुए काफी देर हो गई है। एंट्री नंबर 15, वी एस्केप्ड। ये जगह काफी इंटरेस्टिंग है। ये तो कुछ भी नहीं, यहाँ और भी बहुत कुछ होता है। याद है ना कि ये एक फेरी टेल है, और ये रहा हमारा स्कूल, और वो टॉप पे है तुम्हारी विंडो। ठीक है, वैसे तुमसे मिलकर अच्छा लगा, हमें रास्ता दिखाने के लिए शुक्रिया। लेट्स गो गर्ल्स। हे, मैं हेल्प करती हूँ। थैंक्स, मैं कर लूंगी, जरूरत नहीं। कोई इशू नहीं, मेरे पास अभी कोई काम नहीं है। मैंने कहा ना मैं कर लूंगी। मैं कह रही हूँ ना, ये मुझे दे दो। ओह नो, ये तो टूट गया। आई एम सॉरी, मैं इसे जोड़ दूंगी। मैं तो बस फॉलो मी गर्ल्स। बाय, यू कूल। एंट्री नंबर 15, मंजिल तक पहुंच गए। 16। क्या? एंट्री नंबर 16, क्योंकि 15 बाहर था। वेल, यहाँ की सफाई करनी होगी। चलो लड़कियों, शुरू करते हैं। और ये हो गया, अब रहने के काबिल है ये जगह। ओह गर्ल्स, देखो एक और। मैं तुम्हें बुलाऊंगी स्नोबॉल। देखो एक और, तुम्हो फ्लॉपसी। वेल, मैरी, तुमने देखा कितने सारे हैं ये। ओके, गोंजो, वेलरी, मैं इसी बारे में देख रही हूँ। बोजो, पीलो, पोटैटो, लोनी। मैरी जल्दी करो, बीबी इधर आओ। एंट्री नंबर 17, ये ऑब्जेक्ट लाइट ग्रीन है और बहुत छोटा है, और इनके अभी तक की तादाद 23 एंड 24। इट्स अ बिग सैडनेस। वाओ, लेकिन हम इसे नहीं पाल सकते। स्नोई, पकड़ो उसे। मैं कोशिश करती हूँ। स्नोई, तुम ठीक हो ना? बस रसी नींद आ रही। मैरी, कुछ पता चला? मिल गया, ये एक पहेली है। घूमता है हर जगह लट्टू की तरह, लेकिन खुश कभी ना दिखाई दे, ना सुनता है ना कहता है, ना ही खुश कभी दिखता है। उदासी है ऐसी, बिल्कुल एक शाम की जैसी। मैरी, इसे हराना कैसे है? तुम इसे देखती रहो, मैं कुछ करती हूँ। वहीं रुक जाओ। सैडी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आखिर मैं तुम्हें कैसे हराऊं? मैरी! मिल गया, मेलनकॉली। ये मेलनकॉली है, हमें कुछ फनी करना होगा। हे यू, ग्रीन मॉन्स्टर, मेरे दोस्तों को अकेला छोड़ दो। 4, 3, 2, 1, मेलनोवा, शरारती नहीं। हेलेना, हाँ? मैंने सब कुछ देखा और इट वाज ऑसम। तो तुम्हारे पास भी मैजिक है? आखिर ये कैसे किया? तो तुम यहाँ आओ, इधर आओ। तुम भाग क्यों गए थे मेरे बच्चे?
थैंक यू वेरी मच। मैं इसको काफी देर से ढूंढ रहा था, क्योंकि टाउन में नहीं रह सकता, उदास हो जाता है। तुम सब लोग मेरे घर जरूर आना, जंगल में सब मुझे जानते हैं। मैं हूँ वुड स्पिरिट, और तुम दोबारा मुझे छोड़ के मत भागना। ओके, तुम्हें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, मैं समझ गई। तुम लोग सुपर फेरीज हो, और हमारा टाउन इस वक्त खतरे में घिरा है मैजिकल बीस्ट और मॉन्स्टर से, और हम उनसे मिलकर लड़ेंगे एक बेहतरीन टीम की तरह। बहुत मजा आएगा। हेलेना, प्लीज घर के लिए बिखर छोड़ दो। एंट्री नंबर 18, स्लीपिंग टाइम। ओके, क्या तुम मुझे मैजिक सिखाओगी? पता नहीं मेरा बनी कहाँ होगा। बॉस, हम लोग अंदर आ गए। क्या ये वाकई जादुई चीजों का घर है? बातें करना बंद करो, हमें जो चाहिए वो लेंगे और फिर भाग जाएंगे। मैंट्रिक रूट? नहीं ये नहीं। लव पोशन? या ये रहा। बॉस, फेरी पॉलन यूज कर सकते हैं? फेरी पॉलन? अच्छा, वो काम नहीं करेगा, ढूंढते रहो। ड्राइड बटरफ्लाईज? नहीं ये भी ठीक नहीं। शायद मुझे मिल गया है। द ड्रैगन टियर। अ ड्रैगन टियर, बहुत खूब, ले आओ जल्दी। अच्छा ओके बॉस, हम लोग बस अभी आए। हे रुको, इजी जेंटलमैन। क्या तुम लोग नहीं जानते कि चोरी करना कितनी बुरी बात है? ये ब्लैक कैट है और हमारे लिए ब्रेड लग। भागो। मैं यहाँ एक बात बताता चलूं कि मैं ब्लैक नहीं हूँ, मैं डार्क ग्रे हूँ। बस बहुत हुआ, तुम लोगों ने मुझे गुस्सा दिला दिया है। होगा हमारे क्लब का। हाँ ये ठीक रहेगा। म्याऊ। तो गर्ल्स, पर्ची कौन उठाएगा? तुम उठाओ वैलरी, मेरा लक अच्छा नहीं क्योंकि काली बिल्ली ने मेरा रास्ता काट दिया था। म्याऊ। मैं माफी चाहता हूँ लेडीज। हे, वो मेरे शूज हैं। और वो मेरा स्केटबोर्ड है। हेलेना, मेरा हाथ पकड़ो। राइड अ हाई स्पीड चेस। ऑक्सन One faster! Meow! तुम्हें डांस करना चाहिए। मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है। वहाँ स्टेज है। डरो मत, बस अपनी आंखें बंद कर लो। इस तरह, जल्दी। Oh no, यहाँ तो रास्ता बंद है। अब क्या करें? Gotcha! Gotcha! Stupid girls, तुम लोगों ने सब तबाह कर दिया। मैंने इसे पकड़ लिया। मेरे ऊपर से हटो। ये है कौन बिल्ली के कॉस्ट्यूम में? ये क्या है? बाद में पता करते हैं। हेलो, क्या तुम लोगों ने ड्रैगन टियर खो दिया? नहीं बॉस, सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। Girls, this is so cool. I mean, ये हमारा पहला मिशन होगा। The case of the skateboard thief. Super girls down को बचाने आ रही है। तो स्नो योर वैलरी स्नो ब्लास्ट करेंगी और मैं यूनिकॉर्न को संभालेगी। और मैं वैसे मैं क्या करूँगी? हाँ, तुम्हारा यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट रोल है, जरा इसे बताओ। प्लान ये है, हम छुपेंगे यहाँ, यहाँ और यहाँ, और यहाँ होगा चारा,
और फिर स्केटबोर्ड, वो स्केटबोर्ड चोर है। उसने पहले भी चुराया है, फिर चुराएगा। Exactly. जैसे ही वो चारे के पास आएगा हम उसे पकड़ लेंगे। कोई सवाल? I'm so impressed, girls. तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया। मगर मेरा काम क्या होगा? Okay, तो सब अपनी पोजीशंस पे हैं। Snowy, attention. आ जाओ ले लो कॉटन कैंडी, बहुत ही मजेदार है, मीठी मीठी, खुद भी खाओ दूसरों को भी खिलाओ। एक बार खाओगे, बार बार खाओगे। हमें हाथ हिलाना बंद करो, ऐसे सबको शक हो रहा है। ओह, मैं एक बेवकूफ सी लड़की हूँ और अपनी चीजों का ख्याल नहीं रख पाती, तो प्लीज मेरा कोई स्केटबोर्ड मत चुराना। वाह, इसकी एक्टिंग तो बहुत ही अच्छी है। ये वाली थी? हाँ। ठीक है, चल। हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वहीं रुक जाओ। यस, पकड़े गए लिटिल की। मुझे जाने दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। वाह, एक बोलने वाला चूहा। हाय डियर। मेरा स्केटबोर्ड तो ऐसे ही पड़ा हुआ है, मैं तो उसकी तरफ बिल्कुल नहीं देख रही। आहा, कहां तक भागोगे? ओह, ये कहां से आया अचानक? गर्ल्स, टारगेट बिल्कुल मेरे पीछे है। ओवर। ऑसम, उसने चारा उठा लिया है, सब उसका पीछा करो, लेकिन खामोशी से। मैरी, क्या तुम मुझे सुन रही हो? जवाब दो। तुम्हें इसमें क्या समझ में नहीं आ रहा? ये एक बहुत बड़ा रॉकेट है जो कि हमने खुद बनाया है। हमारा किंग हमें इस पर चार पर लेकर जाएगा और वहाँ होगी बहुत सारी चीज। वेट अ मिनट, मैं कंफ्यूज्ड हूँ। तुम लोगों ने एक रॉकेट बनाया ताकि किंग माउस तुम लोगों को चांद पर ले जा सके, और तुम्हें लगता है वो चीज का बनाया है? हाँ बिल्कुल, ऐसा ही है, सारे माउसेस का यही कहना है। लेकिन ड्रैगन टी क्यों चाहिए? क्या मतलब है ये क्यों चाहिए? ये उड़ता है, इसके बगैर रॉकेट को कैसे उड़ाएंगे? समझ गई, चलो हमें उसे बचाना होगा। किसे? माउस किंग को। तो यहाँ छुपे हो तुम, चोर कहीं के? Listen to me, मेरे प्यारे चूहो, आज मैं My Majesty Mouse the 11th एक ग्रेट कॉज के लिए अपने सफर का आगाज कर रहा हूँ। मैं इस रॉकेट के जरिए चांद पर जा रहा हूँ। माउस किंग जिंदाबाद। एक मिनट, आखिर इतनी जल्दी क्या है? तुम लोगों ने जो चुराया है उसे वापस करो अभी के अभी, वरना किसी को बहुत नुकसान पहुंच सकता है। Your Majesty, अच्छा, Excuse me, ये बिल्ला आपकी हिम्मत को ललकार रहा है। क्या? पकड़ो उसे। ठीक है, आ जाओ, लेकिन एक एक करके आना। ये क्या? म्याओ। ये कैसे हो गया? मैं तैयार भी नहीं था और तुम लोगों ने मुझे बांध दिया। खोलो मुझे। क्या तुम लोग जानते हो किसी ब्लैक कैट का बुरा दिन है आज? मैं ब्लैक नहीं हूँ, मैं डार्क ग्रे हूँ। म्याऊ। लगता है हमारे चोर ने अपने आप को खुद ही किडनैप करवा लिया। ये माउस कितने क्यूट हैं। वो देखो हेलेना, तुम्हारा स्केट। ओह, तो तुम्हें इसका हिसाब चुकाना होगा। फिर से आ गई? तुम लोग हमेशा मेरे रास्ते में क्यों आ जाती हो? योर मैजेस्टी, मुझे लगता है ये लोग इसके साथ हैं। ओ अच्छा, कोई भी हम चूहों पर नहीं रोक सकता। तो ये बात है। स्नोई, तुम इस तरफ से जाओ, हेलेना तुम उस तरफ से, और मैं जाती हूँ यहाँ से। लेकिन मैं समझ नहीं, ये मुझे क्या करना है? कोई बात नहीं। ओ जबरदस्त, मजा से खा दो इन्हें। लेफ्ट पर देखो, वहाँ से भी आ रहे हैं। पीछे मत हटना, अटैक करो अपने किंग के लिए। सुनो, पीछे नहीं हटते। रुक जाओ, मैं कह रही हूँ रुक जाओ। वैलेरी। तो ठीक है, अब तुम लोगों को पता चलेगा। लगता है कुछ ज्यादा हो गया। अब मजा आया, चोर कहीं के। मेरी बात सुनो योर मैजेस्टी, आपको गलतफहमी हुई है कि चांद चीज का बना हुआ है। इसने आपसे झूठ कहा। क्या? कैसे? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। यस, यही सच है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? तुम चांद
पर जाओ और मैं अब यहाँ का नया किंग होगा। Oh no! Ha! खेल खत्म। No! Dragon Tear! वो सिर्फ एक ही बचा था। Guards! इसे पकड़ो। मैंने कुछ नहीं किया। Your Majesty. Thank you so much, Varys. तुम लोगों का बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, ये हमारा काम है। सुपर गर्ल्स आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर हैं। अपसेट मत हो, कभी कभी बैड लक हो जाती है, खास तौर पर ब्लैक कैट्स की। अगर मैं ब्लैक नहीं हूँ, तुम लोग बताओ तुम कौन हो? हम हैं फेरी फेरी। क्या क्या कहा तुमने? हाँ, बाय द वे हम नाम रखना तो भूल ही गए। फैंटेसी पेट्रोल, व्हाट? ये किसका आइडिया था? मेरा भी नहीं। मेरी बात सुनो फेरी पेट्रोल, कर जाओ अभी कभी। मैं तुम लोगों को दोबारा अपने सामने नहीं देखना चाहता। म्याऊ, गुड बाय। आज का दिन ही बुरा है, ड्रैगन टियर भी चला गया मेरे हाथ से। गर्ल्स, तो इसका मतलब है हमारे पास एक और मिशन है। ड्रैगन टियर फैंटेसी पेट्रोल, फॉलो मी। तुम्हें पता है ड्रैगन कहाँ रहता है? क्या वो खतरनाक होगा? नहीं, रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। फैंटेसी पेट्रोल। नो नो नो, ये नहीं हो सकता, कम से कम आज के दिन तो नहीं। अब मैं क्या करूं? ओह नो, ये भी काम नहीं करेगा। ये ट्राई करता हूँ। बंद कीजिए। नो नो नो। ओह याद आया, वो है मेरे पास। कहाँ रखा था? देखते हैं अब कौन बचता है मुझसे। रिकॉर्डिंग के वक्त ये बटन प्रेस करना है, ओके? हाँ, क्या तुम लोग तैयार हो? 1, 2, 3, गो! रे, 1, 2, 1, 1, 2, 3, अब इस तरफ, ये, गुड! Wait a minute, मैरी, हम कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं? तुम ये स्टेप कर रही हो, मैं यूं कर रही हूँ। तुम हिप्पो डांस कर रही हो। मैं? नहीं, तुम हो जो एलिफेंट स्टाइल में डांस कर रही हो। What? तुम ये कहना चाह रही हो कि मैं हेलेना तुम अंदर आ सकती हो? वेल, सब इतने खामोश क्यों है? कोई मुझसे पूछता क्यों नहीं है कि क्या हुआ है? हेलेना बताओ क्या हुआ है? गर्ल्स, पागल हो जाओगी तुम लोग सुन के। सो एनीवेज, मैं पार्क जा रही थी। क्या था ना, वहाँ एक आइसक्रीम वाला भी होता है और इतनी गर्मी थी कि तुम लोग यकीन नहीं करोगे। तो मैंने वहाँ से एक सोडा खरीदा और अचानक ही वहाँ म्यूजिक स्टार्ट हो गया। दन, 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 और मेरे साथ खड़े लोग डांस करना शुरू हो गए, तो मैंने भी शुरू कर दिया। और जानती हो, मेरे अचानक से कहीं से, ओ गर्ल्स, वो बहुत बहुत ही अच्छा डांसर है। बूम बूम, चा चा चा, वाओ। और फिर अचानक वहाँ वो ही ब्लैक कैट आ गई और उसके हाथ में कोई बड़ी सी चीज थी, बिल्कुल वैक्यूम क्लीनर जैसी, और उसने उससे फायरिंग शुरू कर दी, फ्यू फ्यू फ्यू, उस शानदार डांसर पर। और फिर अचानक जिंग, वो भाग गया और म्यूजिक भी बंद हो गया और सब ने डांस करना बंद कर दिया और मैंने उसे कहा फ्रीज, लेकिन वो ब्लैक कैट फिर भी भाग गई। वैसे वो बहुत अमेजिंग था। कौन? वो कैट? क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो डांसर। सच कहूं तो मुझे उसका नाम भी नहीं मालूम। हेलेना, तुमने सोडा खरीदा? मुझे बहुत प्यास लगी है। अनबिलीवेबल कि तुम लोग इतनी अच्छी लिसनर्स हो। ये लो, एंजॉय योर सोडा। वाओ गर्ल्स, हेलो, क्या तुमने मुझे मिस किया? मैंने अपने बारे में कहा ही नहीं, मैं हूँ चीनी, मगर मेरे दोस्त प्यार से मुझे चीनी बोलते हैं।
1, 2, 3, 4 कमर ऐसे घुमाओ और अब कमो पीक को ध्यान से सुनो हाँ तो तुम बहुत अच्छा डांस कर रही हो हेरी और ब्राइन मैं तुम्हें जानती हूँ वो है ना जो पार्क में डांस कर रहे थे और फिर वहाँ अचानक एक कैट आ गई थी वैक्यूम क्लीनर के साथ कैट याद आया मुझे उसे कैट से तो मिलने जाना था एक्सक्यूज मी गर्ल्स मुझे जरूरी काम से जाना है बाद में मिलते हैं जेमी मैं हूँ हेलेना वेट मैंने तो अपना नाम बताया ही नहीं hey, जीनी, I mean जीनी, don't go wait. मैंने बचपन में जीनी के बारे में सुना था कि अगर जीनी आपके पास हो तो आपका सुकून दूर भाग जाता है मैं सोच रही हूँ कि वो कहाँ गया होगा उसने कहा था वो कैट के पास जा रहा है यानी मैजिक डिस्ट्रिक्ट चलो कैट के पास नो वे इससे बेहतर है मैं घर पर ही रहूं जेमी मैं तुमसे आराम से कह रहा हूँ इसे बंद कर दो वरना मैं वरना हमें कुछ और मजेदार चाहिए होगा तो ये कैसा रहेगा अहा क्या बात है By the way, मुझे तुमसे एक चीज पूछनी थी ये मशीन आखिर किस काम आती है ये जीनीज को पकड़ने की मशीन है क्या वाकई तो फिर इसका ये पार्ट भी किसी काम आता होगा ये तो टूट गया चलो मैं इसे छोड़ देता उसे हाथ मत लगाओ मैं इसे ठीक कर दूंगा वाओ सुपर कूल म्यूजिक ये आई लाइक इट मैं और डांस नहीं कर सकता तुम अच्छा डांस कर रहे हो तो तुम्हें मिलता है बैच जिमी मैं आ गई हेलो मेरा नाम है हेलेना और ये आ गए मेरे फैन कॉस कम ऑन हमें शो की जबरदस्त एंडिंग चाहिए थैंक यू एवरीवन एंड सी यू लेटर वो चला गया दोबारा चला गया वो बहुत वो बहुत क्या वो बस एक आम सा जीनी है इससे ज्यादा कुछ नहीं ओह मैन उसने मेरी ट्रैप गन तोड़ दी वो आया कहाँ से है कितनी मेहनत से बनाई थी वो स्टोर से भागा है अब पता नहीं क्या मुसीबत लाएगा पूरी फिर से बनानी पड़ेगी वो स्टोर से भागा है कौन सा स्टोर एंटीक स्टोर और फ्रंट डोर से अंदर आए गर्ल्स क्यों ना हमें इन लोगों से पूछना चाहिए वेल डन स्नोई चलो वहाँ चलते हैं हेलेना हरी अप मैं तुम्हें दोबारा ढूंढ लूंगी एंटीक स्टोर शायद वो यही है अंदर जाके देखते हैं कितनी अजीब जगह है ये हे कोई है यहाँ पर hey, girls, जल्दी से इधर आओ गर्ल्स देखो ये वही है जीनी हमारी हेल्प करो कुछ सुना हमारी हेल्प करो बचाओ हमें हम यहाँ मशीन के अंदर हैं वैसे तुम हो कौन मेरा नाम टुडली डी और मैं हूँ टुडली डम ये हमारा स्टोर है हम यहाँ चेकिंग कर रहे थे अब जीनी बाहर है और हम यहाँ अंदर हम बाहर नहीं आ सकते कुछ समझ नहीं आ रहा समझना कैसा अगर तुम ये सारे स्टेप्स फ्लोर पर सही से करोगी तो 100 पॉइंट्स मिलेंगे जिससे तुम इसे हरा दोगी ऑफ कोर्स हम इसे हरा सकते हैं है ना मैरी कम ऑन याद है ना रूटीन डांस 1 and 2 and 3 Yes! और हम वापस आ गए थैंक यू लेकिन हमारी फ्रेंड्स कहाँ हैं? Hey, हम यहाँ हैं। ये क्या हो रहा है hey, हमारी ये डील नहीं हुई थी यहाँ टास्क करो और उन्हें वापस लाओ फौरन ये मेरा नहीं इसका आइडिया था तुम्हारी गलती है तुम दोनों किसी काम के नहीं रुको गर्ल्स मैं निकालूंगी तुम्हें यहाँ से बाहर ये चल क्यों नहीं रहा आखिर ये काम कैसे करता है रुको कहीं तुम भी ना अंदर चली जाओ हमें इसके लिए कोई और रास्ता ढूंढना होगा जीनी को अंदर भेजना होगा हाँ अंदर भेजो उसे ये मेरा आइडिया है पहले मैंने कहा That's it. जीनी, स्नोई, let's go. और तुम दोनों यहीं रुकोगे और ध्यान से कोई गड़बड़ मत करना मुताबिक होगी मैं चाहता हूँ डांस करना तो सब नाचो क्या मैं ऐसा डांस करना चाहूंगी जीनी हमें तुम्हारी मदद चाहिए क्या कहा हाँ, नो। जीनी किसी की मदद नहीं करता Right in for everyone. बहुत हो गया अब मैं जीनी से तंग आ गई हूँ तुम अब तक के सबसे अच्छे डांसर हो
होगी। ओह सॉरी, प्राइजेस तो मेरे पास खत्म हो गए। तुम ये क्या कर रहे हो? ये कोई खेलने की चीज नहीं है। हे, वो देखो चिड़िया। तो तुम पकड़े गए। ग्रेट जॉब, लेट्स गो। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। नो, ये तुम्हारी गलती थी, तुम्हारी थी। ओह, अच्छे जीनी, प्लीज तुम बहुत बहुत अच्छे हो, मदद कर दो। मैं मदद नहीं करता, ना मेरी किसी ने की थी। मैं समझती थी तुम बहुत अच्छे हो, मगर तुम तो एक खुद गर्ज और मगरूर जीनी हो। वैसे भी ये जीनी लड़कियों को डांस में नहीं हरा सकता। मैं शर्ट लगाती हूँ, ये 100 स्कोर नहीं कर सकता। क्या? तुम्हें लगता है मैं 100 स्कोर नहीं कर सकता? चैलेंज एक्सेप्टेड। मेगा क्रेजी सुपर डांस लवर्स। मुझे बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं। मैंने 100 साल इंतजार किया है आजाद होने के लिए। अब मुझे कोई वापस कैद नहीं कर सकता, ना मैं ऐसा करने दूंगा किसी को। बाय बाय। मुझे तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, ये डिस्को तो बस ऐसे ही था। हाँ? तुम्हारे पास तो बैच तक नहीं है। बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। सही कहा। क्या अच्छा नहीं था? अब देखो। Yes, हम वापस आ गए। अब एक महीने तक डांस नहीं करूंगी। एक मिनट गर्ल्स, हम क्या करेंगे अगर वो दोबारा बाहर आ गया? ओ, मैं जरूर बाहर आऊंगा और देखूंगा तुम लोग कैसा डांस करती हो। ओह, ये टूट गया। मैंने नहीं तोड़ा। इसने तोड़ा। इसने तोड़ा। फ्रीज, डोंट मूव। मैं उसे शूट करूंगा, नहीं बचेगा वो आज। कहाँ है वो जीमी? कहाँ है जीनी? तो वो वहाँ है, मशीन के अंदर है। उसने डांस में खुद को हरा दिया। ओह बॉय, फिर वही हुआ। चाहे कुछ भी कर लो लेकिन किसी को परवाह नहीं। बस बहुत हुआ, मैं जा रहा हूँ हमेशा के लिए। वैसे मुझे तुम्हारा डांस बहुत पसंद आया था, कैफे वाला। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं डांस कर रहा था? क्या तुम हमें भी वही वाला डांस सिखा सकते हो? क्या तुम? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, सोचना भी मत ऐसा। चलो जल्दी से, पोजीशन नंबर 1, कमर पे हाथ रखो, चेहरे पे स्माइल। और इस तरह हमने डांस किया। हाँ।